बिक्की यादव की हत्याकांड पर आज बुधवार जगदल तृणमूल कांग्रेस की ओर से थाने में दिया गया ज्ञापन। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। शासन के पास हम लोग सभी को आग्रह यही लेके आए हैं। पंचायत के भी लोग आए हुए थे, प्रधान जी प्रधान भी थे पंचायत के, जिला परिषद भी आए हुए हैं दीपक लहरी जी, हम लोग काउंसलर लोग भी सभी को आए हुए हैं। प्रशासन से यही बात है, यही रिक्वेस्ट हम लोग सभी को किए हैं कि जो लोग इस तरह का कांड करवा रहे हैं, जो लोग रेकी करवा रहे हैं, जो लोग फाइनेंस कर रहे हैं, आप इन लोगों को तो अरेस्ट कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उन लोगों को अरेस्ट करिए जो इनके पीछे इनको फाइनेंस कर रहे हैं, इनको पैसा देकर मदद कर रहे हैं, उन लोगों को जल्द से जल्द अरेस्ट करिए ताकि भाटपाड़ा में इस तरह का घटना ना हो। अभी तो प्रशासन ही ठीक करेंगे, जब प्रशासन जिन लोगों को अरेस्ट किए हैं उनसे ही पूछे। धारू सरकार आप लोग का है, पुलिस प्रशासन भी है, कहीं ना कहीं फेलियर देख रही पुलिस प्रशासन। देखिए हम लोग तो इसको फेलियर नहीं बोलेंगे, लेकिन ये जरूर है कि कुछ लोग शांत माहौल को अशांत कर रहे हैं, सरकार को बदनाम करने में लगे हुए, प्रशासन को बदनाम करने में लगे हुए हैं। यदि इस फेलियर नहीं बोलते थे, कारण ये है कि प्रशासन ने भी अच्छा काम किया, प्रशासन भरोसा भी, उन्होंने दो लोगों को अरेस्ट किया, उनके माध्यम से और भी लोग अरेस्ट होंगे। लेकिन प्रशासन से इतना जरूर रिक्वेस्ट रहेगा, सीपी साहब से इतना जरूर रिक्वेस्ट रहेगा, जो इन लोगों को फाइनेंस करके बुला रहे हैं बाहर से, उन लोगों को अरेस्ट जरूर करें ताकि आगामी दिन इस तरह घटना ना। हम लोग आए हैं दिन पर दिन, हम लोग पार्टी के आदमी और हमारे टीएमसी कर्मी और भाई हमारे खून हो रहे हैं दिन पर दिन जगदल में भाटपाड़ा में। इसीलिए हम लोग प्रशासन को आए हैं कि अभी तक छानबीन किया क्या हुआ, आसामी अभी तक धराया नहीं। मेन आसामी है पप्पू सिंह, पप्पू सिंह अरेस्ट होगा तब बताएगा उसका पीछे पप्पू सिंह के पीछे कौन है। मेन आसामी पप्पू सिंह के पीछे कोई है, पप्पू सिंह पैसा देकर सुन गया, हमारे केस में पप्पू सिंह का नाम आया डायरेक्ट, फिर भी पप्पू सिंह को पुलिस अरेस्ट नहीं किया, क्यों? उसका पीछे किसका हाथ है, उसको अरेस्ट करने पड़ेगा। बड़ाबू से क्या बात हुआ? बड़ाबू से बात हुआ कि ये है का नाम हुआ गणेश, ये है गणेश, ये देखिए ये टोटली पप्पू सिंह का नाम बोल रहा है, जो कि 2.5 लाख रुपया देकर धारू सिंह के पर गोली चलाया था। ये ओपन पप्पू सिंह, पप्पू सिंह हुआ अर्जुन सिंह का खूब भाई बोलिए, खूब करीबी बोलिए। आज जितना भी है भाड़ा के टट्टू ला कर ये एक एक जन के ऊपर जानलेवा हमला कर रहा है, इस चीज का हम लोग को निकले चाहिए और पप्पू सिंह को जल्द से जल्द अरेस्ट करना होगा, नहीं तो हम लोग बियड आंदोलन में जाएगा। आज हम लोग थाना में आईसी साहब के पास आया है पूरे दल बल के साथ, काउंसिलर पार्टी के लोग सभी लोग, अगर ये आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द हम अरेस्ट करेंगे, हमको जो बाइक से आ रहा है जो गोली चला रहा है उन लोग को धर, लेकिन उसके पीछे किसका हाथ है जो ये सब करा रहा है? पप्पू सिंह मैं नाम धर कर बोल रहा हूँ, कल शायद मेरे को भी मार दिया जाए, एक एक जन को मार दिया जाए, उससे मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन इसका एक अंत होना चाहिए। कौन पप्पू सिंह? पप्पू सिंह है अर्जुन सिंह का खुद दया हाथ बोलिए भाई है, जितना कुछ है सब कुछ वही है। ऑल इन ऑल ये मेघना मोड़ में रहते हैं, मेघना मोड़ मजदूर भवन इनका ठिकाना है और मजदूर भवन माफिया का ठिकाना है। प्रशासन को हम लोग इसके बाद जो है सीपी साहब को हम लोग जनाएंगे, सीपी साहब के पास हम लोग अवरोध करेंगे, हम लोग रास्ता प्रशासन बोल लिया मैं अपना काम कर रहा हूँ, तदंत तो कर रहा हूँ, तो 3 दिन का समय लिया है प्रशासन कि मैं 1 घंटा के अंदर भी उसको समस्त राजनैतिक दलेर नेतादेर निरापत्ता सुनिश्चित करते हैं एवं तार जन्य कठोर पदक्षेप उन्हीं ग्रहण करबें। एवं ये क्राइम जरा जन्म दे जरा राजनैतिक स्वार्थे होक बा एलाका दखलेर स्वार्थे होक বা জীবন জীবিকা বা দুর্নীতির স্বার্থে হোক, যারা ক্রাইমকে জন্ম দেয় সেই ক্রাইমটাকে ধ্বংস করতে হবে, এবং যারা লিখবেন যারা বিহার থেকে এই ক্রাইমকে আমদানি করা হয়, অর্থাৎ মানুষকে ভয় দেখানোর জন্য, মানুষকে হাপ মারা করার জন্য, হত্যা করার জন্য, সেই লিঙ্কম্যান এবং যে পয়সার যারা লেনদেন করে তাদেরকে চিহ্নিতকরণ করতে হবে, যার ফলে ভাটপাড়ার প্রত্যেকটা মানুষ, আমরা চেয়েছি নিরাপত্তা,
এবং ভাটপাড়ার মানুষদের নিরাপত্তা, ভাটপাড়ার সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতাদের নিরাপত্তা আমরা চেয়ে ডেপুটেশন দিচ্ছি, কারণ এটা সরকারের বদনাম হয় যদি একটা খুন হয়। হ্যাঁ না ক্ষুদ্র নয়, কিন্তু ভাটপাড়ার ক্ষেত্রে হচ্ছে অন্য, কারণ এখানে এত নানা ভাষা নানা মতের বসবাস, যে কে কোথা থেকে আসছে কে কোথা থেকে যাচ্ছে এর লিঙ্ক ঠিক মতো খুঁজে পাওয়া যায় না, এবং যারা হিসাব নেই ম্যাক্সিমাম সব ভাড়াটিয়া। হ্যাঁ মিলে কি কোই ভি ঘটনা হতা হয় তো ইয়াহকে জনতা কো ইয়াহকে লোগো কো অসুবিধা হতা হয় ইয়াহকে বিরোধী কো ভি বোলনে কা মৌকা মিলতা হয় তো হাম এসে জগহ পে হাম লোগ কিউ মৌকা দে কিসি কো বোলনে কা জহাঁ পে দেখিয়ে এসা ভাটপাড়া জগত দলে জনপ্রতিনিধি অসুরক্ষিত হয় তো সাধারণ লোক কিতনে সুরক্ষিত দেখিয়ে ইহি তো হাম লোগ প্রশাসন সে সওয়াল উঠায় হয় সরকার মে তো আপ সরকার তো আপসে পুছে চলিয়ে সরকার মে হাম লোগ হয় তবি তো হাম লড় রহে হ্যায় লোগো কে লিয়ে ইয়াহকে আম জনতা কে লিয়ে ইয়াহকে জিতনে ভি घटनाएं हो रही है उसके लिए हम लोग यहाँ पुलिस प्रशासन में आए हैं डिपुटेशन देने की, आप लोग कार्रवाई कीजिए, नहीं तो हम लोग भव्य आंदोलन करेंगे। देखिए हम पुलिस व्यर्थ पूरी पुलिस को नहीं बोल रहा हूँ, जो यहाँ के ऑफिसर से उसको बोल रहा हूँ, क्योंकि आज पुलिस अधिकारी बैरकपुर के अच्छे हैं तभी भाटपाड़ा शांत हुआ है, और भाटपाड़ा थाना भी अच्छे हैं तो भाटपाड़ा में उतनी घटनाएँ नहीं होती है। जहाँ के पुलिस कुछ एक्टिव हो यही हम लोग की आशा है, सभी लोग खराब नहीं होते, सभी लोग अच्छे नहीं होते। एक सवाल और है, भाई किससे है ये जो बैनर में दिख रहा है कि नेक्स्ट की आप किससे भय है? भय सभी को है, यहाँ आम जनता को है, किस ये जो क्रिमिनल एंटी सोशल लोग हैं उससे भय है। और एंटी सोशल से आप ही बताइए कि एंटी सोशल से जनप्रतिनिधि डरेगा? तो देखिए डरता तो सब घर में रहता, हम लोग रोड में लड़ने निकले हैं और लड़कर ही हम लोग ऐसे प्रशासन को यहाँ पे मुक्त करेंगे, मतलब यहाँ पे जो प्रशासन आए जो एक्टिवनेस दिखाए जिससे लोगों को असुविधा ना हो, ऐसा कोई घटना ना घटे, किसी का भाई मर जाए किसी का बाप मर जाए ऐसी कोई घटना ना हो, और कोई भी राजनीतिक दल लड़ाई राजनीतिक लड़ाई रखे, ये जो आप मराने और मारने की राजनीति करते हैं ये बहुत गंदी बात है, और आगामी दिन ऐसी राजनीति आपको भी खराब आपका भी उसी हिसाब से होगा। ये कौन करता है जो लोग कर रहे हैं, ये तो पुलिस तदंत तो कर रहा है, बहुत सा नाम पांच फिंगर बराबर नहीं होता है, ठीक है, तो वो एक फिंगर खराब हो गया है तो उसको आप काट के फेंक देना ही ठीक होगा। पप्पू सिंह उसको मैं पुलिस प्रशासन से, पप्पू सिंह कौन है मुझे पता नहीं है, रहते हैं वो मजदूर भवन में रहते हैं, पता नहीं कौन है मुझे पता नहीं है। मैं प्रशासन से, मैं माननीय सीपी साहब से, मैं डीसी साहब से, मैं आईसी साहब से यही विनती करूंगा कि उसको अरेस्ट किया जाए, क्योंकि एकमात्र वही है, क्योंकि खून करवाने वाला से करने वाला बेसी दोस्ती है, क्योंकि वो पैसा दे रहा तभी हो रहा है। आज विक्की भैया आज हम लोग के बीच नहीं है, उनका क्या भूलता कि सौरभ भैया के साथ रहते थे, इसलिए पप्पू सिंह को तो हम पहचानते नहीं है कि कौन है। अरे पप्पू सिंह का हम नाम जानते हैं, वो मजदूर भवन में रहता है, अब कौन है तो पता लगाइए कौन है, तो हम जानते नहीं है पप्पू सिंह कौन है, हम तो जानते नहीं है ना, वो मजदूर भवन में रहते हैं, इनलीगल एक्टिविटीज में बेसी रहते हैं। अच्छा, मुझे अच्छा ठीक है, आप लोग जो है सरकार के प्रतिनिधि है, कहीं ना कहीं माना जा सकता है, तो आप लोग को भय है आगे किससे भय है? देखिए भय तो है, अभी यही पैसा दे के भेजेगा गुंडा, अरे किसी से, मतलब वही ये सब क्रिमिनल लोग जो है, क्रिमिनल से जनप्रतिनिधि हाँ, जरेंगे नहीं, अब क्रिमिनल का कोई माँ मम्मी और पापा नहीं होता है, वो उसको पैसा से मतलब है, पैसा मिला वो काम करेगा। तो फेलियर कौन है, पुलिस प्रशासन या सरकार? मैं फेलियर किसी को नहीं बोलना चाहूंगा, मैं बोलना चाहूंगा सिर्फ आप एक जोन को अरेस्ट कीजिए। देखिए भाटपाड़ा जगदल से एमडी हुसैन। डिजिटल क्लासरूम ऑडियो विजुअल पद्धति খেলা ধুলা গল্প কবিতা নাচ গানের মাধ্যমে আপনার শিশুর মনের সকল বিকাশ ঘটাতে নৈহাটি মাদার্স ল্যাব কো এডুকেশন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল 7/B বিজয়নগর নৈহাটি।